ध्यान से देखो, जानलेवा मंशा से भरा है ये कुत्ता। क्रूर चेहरा, यह कुत्तों का राजा है। बदला लेने के लिए यह 500 आवारा कुत्तों का नेतृत्व करता है और एक बड़ी सेना बनाता है शहर में लोगों को साफ करने के लिए। जब भी भौंकता है दूसरे कुत्ते पागल हो जाते हैं, वे गंदा क्षेत्र बनाते हैं। इसका नाम है गेनो है, एक विनम्र सौम्य कुत्ता हुआ करता था। मालिक लिली इसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ और सौतेले पिता यात्रा पर गए। उन्हें लिली के पिता के पास छोड़ दिया गया। बाप कसाई है, उसे कुत्तों से नफरत है, वो इसे खा नहीं सकता था। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने हेगन को WC में कैद कर लिया। अंधेरे में कैद होने के कारण हेगन डर गया था, यह दयनीय था। लिली दयालु थी, वो शौचालय गई और हेगन को सुनने के लिए बाजा बजाया। जब शांत हुआ वो पूरी रात उसके साथ शौचालय में रही। यह बहुत हिल रहा था, लेकिन अगले दिन घर में पशु नियंत्रण विभाग के लोग आए। हेगन एक संकर नस्ल का कुत्ता है, इसे पालने के लिए कर अधिक था। लिली जानती थी कि उसके पिता वो पैसे नहीं देंगे, इसलिए वो सावधानी से हेगन को स्कूल ले गई। उसने उसे अपनी अलमारी में छिपा दिया। कौन जानता था कि जब संगीत का पाठ शुरू हुआ लिली ने बाजा बजाया। हेगन ने सोचा कि उसने उसे बुलाया है, तो वो बाहर निकल गया। शिक्षक गुस्से में था, वह किसका कुत्ता है, खड़े हो जाओ। लिली बहादुर थी, वो खड़ी हुई और उसे दूर जाने के लिए कहा। लिली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर चली गई। जब उसके पिता को इसकी सूचना दी गई तो वह नाराज हो गया। उसने सोचा कि उसकी बेटी कुत्तों को बहुत महत्व देती है। उनका आपस में विवाद हो गया था। पिताजी गुस्से में हेगन को कार से बाहर ले गए। हेगन को नहीं पता था कि उसने कुछ गलत किया है। यह लिली का अनुसरण करने लगा। उसने दरवाजा पकड़ लिया और भौंकने लगा, भाव भाव, कृपया मुझे मत छोड़ो। कार अभी भी चल रही थी। हेगन अभी भी दौड़ा और भागा। जब तक यह कार को नहीं देख सका, यह अकेला था। हेगन उदास थी, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वो घर आना चाहता था। एक कार ने इसे पार किया और हॉर्न बजाया, जिससे वह डर गया। 3 दिन बिना कुछ खाए भूख लगी थी। कच्चे मांस की दुकान को सूंघ कर कुछ खाने को मिला। दुकान में कसाई ने चाकू निकाल लिया, वो उसे मारना चाहता था। उस समय एक कुत्ता दिखाई दिया और उसे बचा लिया। कुत्ता उसे अपनी जगह पर ले गया। सभी आवारा कुत्ते वहीं रह रहे थे। बीच में एक तालाब था, उन्होंने वहाँ पानी पिया। रुको काला कुत्ता, तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद नहीं, पशु नियंत्रण विभाग के लोगों ने फिर इस जगह की खोज की। कुत्ते का पट्टा धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कुछ कुत्तों को पकड़ा गया। हेगन और कुत्ते ने कुछ गलत देखा और तुरंत भागने लगे। हेगन गली के कोने में भाग गया। एक बेघर व्यक्ति ने देखा और उसे पकड़ लिया। उसने सोचा कि यह एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसे दूसरी जगह ले गया और डॉग ट्रेनर को बेच दिया। वो कुत्ता चुराने वाला था जो कुत्तों को बेचकर गुजारा करता था। हेगन बहुत दुखी था। वक्त निकल गया। उसे एक भयंकर कुत्ता बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सबसे पहले वे अपने दांत तेज कर दिए, फिर उन्होंने इसे कच्चे मांस से आकर्षित किया। इसके काटने की प्रतीक्षा करें, फिर मांस को फिर से ऊपर खींचें। उन्होंने इसे काटने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने इसे ट्रेडमिल पर रखा। अगर यह धीरे धीरे चला तो यह पिटेगा। उन्होंने इसे लंबे समय तक प्रशिक्षित किया। अंत में उन्होंने इसे 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाने दिया। पसलियों को बोर्ड पर मजबूती से लगाया। कुत्ता भूख से मर रहा था। उसने काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सामने वाले व्यक्ति ने भोजन चुराने का नाटक करते हुए अपने पंजों को खरोंचने के लिए ऊपर उठाया। कुत्ता जो पहले ईमानदार था, वो पूरी तरह से बुरा था। अंत में जो कभी प्यारा और कोमल हेगन कुत्ता था, अब नहीं देखा गया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी। एक लड़ाकू कुत्ता पैदा हुआ था। डॉग ट्रेनर हेगन को डॉग फाइट में ले आया। आयोजक ने हेगेनो को देखा। एक संकर कुत्ता कैसे जीत सकता है? लेकिन कोच को बहुत भरोसा था। खूब दांव लगाया। प्रतियोगिता शुरू हुई। हेगन की अभिव्यक्ति वास्तव में क्रूर थी। उसने दौड़कर काले कुत्ते को काटा। कई चक्करों के बाद प्रतिद्वंद्वी की गर्दन को सीधे काटने के लिए हेगन ने तेज दांतों का इस्तेमाल किया। कोच मन ही मन खुश था, ये हो सकता है बड़ा दांव। हेगन शर्मिंदा था, काले कुत्ते को देखकर थोड़ा उदास हुआ। न जाने क्यों यह इतना क्रूर था। उस समय के दौरान हेगन ने इस जगह से निकलने का मौका लिया। यह दौड़ना बंद नहीं कर सका। उसके हृदय में घोर प्रतिशोध था। हेगन एक बार फिर आवारा कुत्तों की सभा में पहुंचा। उसे अपना अच्छा दोस्त मिल गया। दोनों कुत्तों खुश हुए, लेकिन पशु प्रबंधक का आदमी फिर आ गए। वो उन्हें पकड़ना चाहता था। हेगन एक भयंकर चेहरे वाला एक संकर कुत्ता है, इसे कोई नहीं अपनाएगा। यह जल्दी से मारे जाने वाले कुत्तों की सूची में दिखाई दिया। खिड़की से देखा कि अगर कोई कुत्ता उस कमरे में घुस गया, मानव इसे इंजेक्ट करेगा और यह हिलेगा नहीं। उन सभी दंडों को याद करते हुए जिन्हें उसने झेला था, हेगन जानता था कि वो वहाँ नहीं रह सकता। अगले दिन प्रबंधन कर्मचारी हेगन को निपटान के लिए लेने के लिए तैयार हो गए। हेगन ने आसानी से रस्सी को खिसका दिया। यह नुकीले दांत एक भयंकर रूप प्रकट करता है।
प्रबंधक अभी भी उस पर चिल्ला रहा था। थेगन कूद गया और उसकी गर्दन काट ली। उसने उस तरीके का इस्तेमाल किया जो इंसान ने सिखाया था बदला लेने के लिए। पिंजरे में बंद कुत्तों ने उस मौके का फायदा उठाया और सभी पिंजरे से बाहर भाग गए। उन्होंने हेगन का अनुसरण किया। वे सभी उन लोगों से नफरत करते थे जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी। वे बदला लेंगे। थेगन के नेतृत्व में सभी कुत्तों ने बदला लेने की ठानी। कुत्ते सड़क पर दौड़ पड़े। लोग डर गए और भाग गए। वे कमरे में या कार में छिप गए। कुत्ता जो कुछ भी देखता उसे काट लेता। दस्तावेज बैग, सुविधा बैग, पानी का पाइप, रास्ता अस्त व्यस्त था। इस वजह से हुआ बड़ा हमला। पूरे शहर को लॉक कर दिया गया। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन लिली जानती थी कि हेगन को खोजने का यह एक अच्छा मौका है। उसने अपनी बाइक पर सवार होकर हेगन की तलाश की। उसकी पीठ के पीछे कुत्तों का एक समूह था। वह नीचे गिर गई। उसने उन कुत्तों को ध्यान से देखा, लेकिन वह हेगन को नहीं देख सकी। उस समय हेगन कुत्ता विक्रेता ढूंढ रहा था। कुत्ता बेचने वाला मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि वो खतरे में है। वो पैसे जुटाने के लिए हेगन को पकड़ना चाहता था। हेगन गुस्से में था। पीछे से कई कुत्ते दौड़ पड़े। वे आदमी को दंडित कर रहे थे। अगला निशाना था डॉग ट्रेनर। हालांकि वो घर पर था। कुत्तों ने सब कुछ तैयार कर लिया था। जब वो घूमा तो कुत्तों ने उसे घेर लिया। बचाव के लिए उसने चाकू को टेबल पर रख दिया। एक कुत्ता उसके पास कूदा और उसे नीचे धकेल दिया। डॉग ट्रेनर पर कुत्तों ने किया हमला। थेगन धीरे धीरे अंधेरे से क्रूर मुद्रा से आ गया। शहर की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। कुत्तों पर गोली चला रहे थे। प्रत्येक कुत्ता नीचे गिर गया। थेगन जानता था कि वे खतरे में हैं। वो पीछे हट गया। इस लड़ाई में भारी हताहत हुए। इससे हेगन और गुस्सा हो गया। इसने अपनी रणनीति को शुरू कर दिया। रात में हेगन ने पुलिस को आग का लालच दिया। पीछे से कुत्तों का झुंड दौड़ता हुआ आया। पुलिस के पीछे भागे। हेगन को खोजने के रास्ते में लिली ने देखा कि हेगन को नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोग मर गए थे। उसे एहसास हुआ कि हेगन का अगला लक्ष्य उसके पिता हो सकते हैं। वह घर आ गई। उसने हेगन को देखा। उसकी आंखें बदल गई थीं। लिली थोड़ी डरी हुई थी। उसने एक छड़ी उठाई। यही वो खेल था जिसे सबसे ज्यादा खेलना पसंद था, लेकिन हेगन इसे भूल गया। उसके दिल में बस बदला था। इसने आवाज लगाई। जूनियर पीछे दौड़े। कई कुत्तों का सामना कर रही एक लड़की लिली रोई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हेगन बदल गया है। कुत्ते भौंकने लगे और हेगन के आदेश का इंतजार किया। उसी समय पापा आ गए। वो बंदूक पकड़े हुए था और अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता था। कुत्तों ने जब यह देखा तो वे और भी उग्र हो गए। लिली चिल्लाई, पिताजी ऐसा मत करो। उसने बाजा निकाला और उस गीत को बजाया जो हेगन को सबसे अधिक प्रिय था। ताल बजने लगी। धीरे धीरे सब शांत हो गए। हेगन धीरे धीरे बैठ गया। यह सबसे अच्छा समय याद आया। एक के बाद एक कई कुत्ते बैठ गए। गाना खत्म हुआ। उसकी आंखों के सामने विनम्र कुत्तों को देखकर लिली लेट गई और जमीन पर रेंग गई। सबकी आंखें नम हो गईं। इस पल में पिता ने आखिरकार इस भावनात्मक हिस्से को समझ लिया। धीरे धीरे रेंगना यह एक तरह की सहानुभूति है, एक तरह की सुलह। भले ही आप प्यार न करें, कृपया चोट न पहुंचाएं। सभी के साथ कोमलता से पेश आएं।